और ये है अमित सियाल जामताड़ा के ब्रजेश जी। इनकी आदत है कि ये बच्चों की कमाई से कट लेते हैं, और कैसी कमाई है अच्छी बुरी पता नहीं, शो देख के पता चलेगा। ये मैडम है गुड़िया जो ऋतिक रोशन से ट्यूशन देना सीख गई है, पता नहीं क्या सिखा रही है अपनी क्लासेस में। टू हर राइट इज सनी, इन दिस केस छोटा सनी। ये अगर शो डेढ़ साल पहले आया होता तो ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना का रोल इनको मिल जाता, ये क्यों आपको पता चलेगा शो देखकर। और ये भाई साहब पटना में रहते थे एक जमाने में, लेकिन इनके सपने हैं पॉलिटिशियन बनने के। एंड दिस मेक्स फॉर अ कास्ट ऑफ अ फैंटास्टिक शो कॉल्ड जामताड़ा, नॉट जामताड़ा। अब क्योंकि यहाँ पे एसपी साहू है नहीं, देर ऑल वेल बिहेव्ड बिकॉज द डायरेक्टर्स हियर, बट आर दे रियली वेल बिहेव्ड और आर दे जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी वेल बिहेव्ड? आई थिंक बोथ वर्क्स राइट फॉर एन एक्टर। If they are pretending because camera के सामने pretend तो नहीं करते ना sir, it's real। Camera के सामने pretend करने का फिर मतलब I think life में pretend करते हैं तो acting नहीं लगनी चाहिए ना sir। I think life में pretend करते हैं तो camera के सामने they are very truthful। I think that context is nice। देखो इस show का tagline है सबका number आएगा। तो जब आप लोगों को call आए show के लिए, आपको लगा कि अपना number आ गया, भाई Netflix पे show आने वाला है। Sir, what happened to you when you guys got a call for the show? ऐसा तो लगा, मतलब डेफिनेटली इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है अभी तक। मेरे को कभी कभी मतलब रात भर नींद नहीं आती कभी कभी, तो सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान की कृपा से आ गया। ये रोल्स कैसे मिले आप लोगों को भाई भाई? विकास भाई ने याद रखा, विकास रबी वो भाई जो कास्टिंग प्रो के हैं ओनर, वो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने याद रखा मुझे। मैं उनके पास जिसे मैं गया था तो मैंने कहीं नहीं फ्लेयर दिखाया था कि मैं पटना से हूँ और ये कुछ नहीं, वो एड के शो के ऑडिशन के लिए गया था, बट उन्होंने याद रखा। जब मैं गया तो मैं दूसरा शो कर रहा था काफ़ी तगड़ा हुआ, तो मतलब यार ये 22-23 साल के लड़के का रोल है तो थोड़ा लीन होके आ सकता है। 10-15 दिन ज़बरदस्त रनिंग की बिना खाए और पानी पी के तो धीरे धीरे वैसा लगा उनको कि बन सकता है, तो उसके बाद सर ने पसंद कर लिया फाइनली। तो ऑफकोर्स ऑडिशन, यस यस, विकास भाई की कास्टिंग इधर एजेंसी में हमने ऑडिशन दिया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड, सर लाइक्ड इट। आई थिंक बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, आई थिंक ऑडिशन से ही हुआ है जो भी। मैंने सुना ऑडिशंस कई बार बड़े अतरंगी होते हैं, आपके साथ कुछ हुआ था ऐसा? मल्टीपल राउंड ऑफ ऑडिशन, यस, सात ऑडिशन तो मैंने दिए हैं। सात ऑडिशन दिए इसके, गुड़िया विद मी, आई गिव, मेरे कितने लिए आपने? मुझे मतलब इन्होंने डायरेक्टर को ऑडिशन किया नहीं, हम लोग मिले आई थिंक ना, ही ऑडिशन है मेरे, हम लोग, मैं एक्चुअली एक गणेश शेट्टी करके हैं जिनके साथ मैंने काम किया था पहले, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ शो बन रहा है और इसमें क्या है बजट कम है तो थोड़ा बजट का वो है, मतलब टाइट है बजट, तो इसलिए तुमको याद किया मैंने, करोगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है यार पढ़वा दो क्या है। तो जब मैंने कहानी पढ़ी तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत नई थी, कंटेंट बहुत फ्रेश था, इन चीज़ों ये चीज़ें सुनी होती हैं आपने बट अवेयरनेस नहीं थी इतनी, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है तो क्यों नहीं करेंगे। और इन लोगों का आइडिया था कि आ जाता है आदमी सस्ते वस्ते में ना, तो कर लिया मैंने। तो दुनिया को बड़ा महंगा पड़ा है कैरेक्टर। और गुड़िया, जैसे हर एक बॉम्बे में एक्टर का होता है ऑडिशन से स्टार्ट होता है, तो मेरा भी वैसे ही शुरू हुआ था। लेकिन क्या होता है ना, आपको ब्रीफिंग बहुत अलग मिलता है, क्योंकि जब सर के साथ भी हम लोगों ने फिर से एक री ऑडिशन किया था, सर का ब्रीफिंग बिल्कुल अलग था, कास्टिंग डायरेक्टर का ब्रीफिंग बहुत अलग था। लेकिन जो मुझे पहले स्क्रिप्ट आया था, जब आप ऑडिशन करते हो तो आपको कुछ एक फील होता है, तो मुझे उस टाइम पर फील आया था आई वॉन्ट टू डू दिस कैरेक्टर, मतलब आई विल डू एनीथिंग फॉर दिस कैरेक्टर। लेकिन जब मैं ऑडिशन में गई थी, विकास भैया का ब्रीफिंग बहुत अलग था, आई थिंक मैंने 4-5 टेक्स किए थे वहाँ पे, एंड आई वो सो सैड, मुझे लगा था नहीं होगा। और लेकिन जब ये मुझे पता भी चल गया दैट आई एम फाइनलाइज, मुझे ऐसा लगता था मुझे कभी भी बोलेंगे देखिए आपसे नहीं हो रहा है, मतलब मुझे एक डर रहता था। मुझे शूट के, जब शूट स्टार्ट भी हो गया तो मुझे एक दो दिन ऐसा लग, क्योंकि आपको नहीं पता आप कैसे दिख रहे हो, सब कुछ वर्कशॉप भी हो रहा है, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड डे शूट में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार नहीं जम रहा यार, चेंज कर लो। जब थोड़ा सा बीच में शूट आ गया था उसके बाद मुझे लगा हाँ अभी मुझे कोई नहीं निकालेगा। ये बात तो एक फेयर होता है पढ़ने के बाद आपको, मतलब जिस तरीके से दिल से कैसी निकले कि प्लीज भगवान ये रोल, मतलब मुझे नहीं पता था किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ और कैसे आने वाला, ये मिल जाए यार थोड़ा बहुत ज्यादा टच करूंगा मैं, ऐसा ऐसा फील। कुछ रोल होता है जिसमें आपको बिलीव होता है कि हाँ ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो वो था, ऐसा था यार। हम सबको ऐसे कॉल्स आए हैं लाइफ में, हां हैव यू गाइस आल्सो रिसीव्ड कॉल्स एंड हाउ हैव यू रिस्पोंडेड? गाली वाली थी सामने, मेरे वाइफ को कॉल आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जमतारा का जो शूट खत्म करके हम घर लौटे थे,
एंड माई वाइफ न्यू कि हम वी आर डूइंग दैट स्टोरी ऑल अबाउट दिस कॉर्निंग थिंग. तो उसको फ़ोन आया तो मेरी वाइफ ने सुना, उसने बोला कि मुझे पता है आप लोग जमतारा से फ़ोन कर रहे हैं. तो जो उस तरफ जो कॉलर था उसने बोला कि नो प्रॉब्लम मैडम, थैंक यू, आई लव यू. तो इविल नहीं है कैरेक्टर्स, किसको मार नहीं रहे. बट ये सच है कि आपने थोड़ा समय बिताया जामताड़ा में टू रिसर्च, सो किस तरह के अतरंगी कैरेक्टर्स से आप मिले? आई थिंक वहाँ पुलिस अपना कर रही, मैंने दे आर डूइंग ऑल दैट दे कैन डू, बट दैट टेक्नोलॉजी 10 कदम आगे उनसे राइट नाउ, बिकॉज यंग गाइज हैं. आई थिंक टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट लेवलर. आई थिंक उनके लिए न्यू नॉर्मल है ये जो पुलिस वाले हैं, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए अभी भी आया है. फॉर देम द टाइम दे वर बॉर्न द टेक्नोलॉजी वॉज देयर विद देम, सो दे दैट वन जनरेशन अहेड है. तो हम पुलिस वी आर वेरी थैंकफुल टू द लोकल पुलिस, एक्चुअली उनके थ्रू से ही हम जमतारा को एक्सप्लोर कर पाए विथ माई DOP एंड प्रोडक्शन डिजाइनर, एंड वी गॉट लॉट ऑफ वंडरफुल स्टोरीज. पुलिस को भी चूना लगा होगा बहुत बार. यस यस यस. और सामने सामने जिन लोगों को पकड़ा था वहाँ पर, बीच में ऐसा केस हुआ था, एक यंग लड़कों को पकड़ा था 14 या 15 years old. पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ क्राइम हो सकता है. उस लड़के ने उसी वक्त फ़ोन लगाया, पुलिस वाले के अकाउंट में 5,000 रुपये डिपॉजिट लगाया. सो यू नो दैट काइंड ऑफ क्राइम वी आर स्पीकिंग. तो पुलिस को भरोसा नहीं होता ऐसे कैसे हो सकता है. तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड इट लाइफ. सो यू नो दैट एंड इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, इट्स नॉट ए लोकल इशू और इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. तो जो आपने कैरेक्टर्स सोचे उनको उन रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस किया है या इज ऑल दिस जस्ट इमेजिनरी? नो नो नो, आई थिंक राइटर्स और रिसर्च टीम जो गई थी वहाँ पर एंड सब किरदार कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है. आई थिंक रॉकी सनी से तो मिले हैं, गुड़िया है. आई थिंक इवन द कॉप प्लेड बाई डॉली, हु इज डूइंग डॉली कैरेक्टर जो है वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर है. हाँ, जिसने बहुत कुछ किया है इनफैक्ट टू कर्व दैट साइबर क्राइम. एंड ब्रजेश का भी जो कैरेक्टर है, आई थिंक इट्स बेस्ड कहीं से कहीं रियल लाइफ से ही इंस्पायर. वैसे मैंने 6 एपिसोड देख लिए थैंक्स टू नेटफ्लिक्स और राइटिंग बहुत ढांसू है. अब इनका तो यूट्यूब पर एक लेडी मैकबेथ का मोनोलॉग भी है, तो भारी भरकम डायलॉग वो बोल गया तो फिर इसकी तो बड़ी आसानी होगी आपको कि क्या है बोल लेंगे, क्या है कुछ नहीं. मतलब हाँ, क्योंकि हम लोग का जो जो लैंग्वेज एक्सेंट को लेके बात हुआ था, जैसे ये मोस्टली मैं पहाड़ी हूँ तो मुझे ये दूर दूर तक थोड़ा सा ये मुझसे जो इसका लैंग्वेज है थोड़ा सा दूर है, ये काफ़ी कनेक्टिव है. तो हम लोगों ने मेनली न्यूट्रल रखा था कि तो मुझे हम दोनों के इतने ज़्यादा सीन्स नहीं थे, तो मुझे हर समय शूट से पहले ये लगता था कि पता चले ये जामताड़ा का लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोले और मेरा ऐसा लगे कि अरे ये तो है ही नहीं यहाँ से. तो ये हम लोगों का कॉन्शियस डिसीजन था कि वो काफ़ी न्यूट्रल रहे, जैसे क्या कर रहे हो की जगह का कर रहे हो, तो उससे आपको एक हल्का सा फ्लेवर मिल जाता है. बट यस, इतना क्योंकि मैं बहुत ही रूटेड हूँ गांव से, मतलब मेरे लिए कोई वो नहीं है कि अरे धूल मिट्टी ये कहाँ आ गया, ऐसा नहीं है. मैं काफ़ी रूटेड हूँ तो आई इंजॉयड दैट थिंग. इतनी ह्यूमिलिटी है. कॉन्शियसली सर ने ये चीज़ तो मतलब बरकरार रखी थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम UP टू झारखंड ऑलमोस्ट मतलब जबान मिलती जुलती है, लेकिन हमें यूनेनिमस रखना है कि जो ऑल ओवर इंडिया समझ सके. अब एकदम मैं झारखंडी बोलने लगूँ या मतलब एकदम बिहारी बोलने लगूँ तो मे भी कई शब्द ऐसे हैं जो बाउंस कर जाएंगे बहुत. आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं जो कि ऑल ओवर ना सिर्फ इंडिया बाहर भी देखा जाता है, पर हिंदी कम से कम ऐसी हो जो कि सबको समझ में आए. तो सर का बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि कुछ ऐसा ना बोल दे जिसे वहाँ पे फुआ हम लोग बोलते हैं, बुआ नहीं बोलते, हम लोग फुआ बोलते हैं. तो मैंने सर को बोला, सर ने बोला देख ऐसा है सच्ची चीज है लेकिन सबको समझ में आया अंशुमान, तो वो मतलब वो करते हैं. आप तो सीनियर एक्टर, आप काफी काम कर चुके हैं, कितना जरूरी है बैलेंस करना कि ऑथेंटिक भी रहे लेकिन समझ में भी आए? बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इतना डाइवर्स देश है हमारा और कहानी यूनिवर्सल है जी. तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये एक्चुअली में ये सारा जो कांड है ये सब शुरू हुआ था ईस्ट यूरोप से, रोमानिया वोमानिया इन सब जगहों से शुरू हुआ था. सर वो जो अफ्रीकन का मेल आता था ना, हाँ केनिया वाला हाँ, बट ये फिशिंग वाला जो है ना, ये जो पर्टिकुलर जो हम जिस पे टारगेट कर रहे हैं, ये सब रोमानिया बल्गेरिया ये सब इन जगहों से फिर ट्रैवल करते करते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में तो मतलब कुछ भी आप सीख सकते हो कहीं से भी. तो ये अब ये यूनिवर्सल स्टोरी है. अभी पॉइंट ये है कि कॉन्टेंट जो बना रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए, रात दिन की बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब डायलेक्ट के डेप्थ में चले जाएं, उसके डेप्थ में चले जाएं और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएं, जो कि काफ़ी बार हो जाता है. तो शायद सोन चिड़िया में एक फीडबैक रहा था कि यार इसका मतलब क्या, और गूगल कर लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं. एक और बात है कि गालियाँ को भी डायलेक्ट में समझ में आ जाती है. वो ये कंफर्टेबल अब्यूजिंग
Easy? Earlier we were not, but then sir supported us. उन्होंने बोला स्पर्श छोड़ दे सनी में आ जा तो बिल्कुल गलत नहीं लगेगा. That was right. तो उसमें improvise करते हो कि लिखिए तीन गाली लेकिन बोल दी छह. अब flow में तो कभी कभी आ ही जाता है ना. उसमें तीन से कम किया हमने. बहुत कम किया चीजों को हमने. कोशिश की कि कम किया, but क्या है कि group वैसा form हमारे साथ तो मतलब thanks to sir क्योंकि उस तरीके का हमें मिला, हमें क्षत्र छाया मिली है कि मतलब वो चीज हो गई ना कि अब तो ग्रुप में इस तरीके से चला था कि उस समय हम जमतारा मोड में थे तो अपन लोग इस तरीके से बात करते थे कि जैसे मतलब जमतारा ही है और मतलब एक दूसरे को इस तरीके को वो फ्री करना था उन चीजों में तो कई बार निकल जाती थी. लेकिन हाँ फ्री तो हो चुके थे सर लोग. बड़ी दबा के गालियां बोली मतलब चाव से, पर वो गाली के लिए इमोशन है ना. हाँ करेक्ट सर, वो गुस्सा है मेरा, सनी का गुस्सा. खुद आगे शाबाश दे मेरे स्कूल में आप दाखिला ले सकते हैं. बट कई बार मैंने देखा एक्टर्स को कहते हैं कि आई हैव बेस्ड माय परफॉर्मेंस ऑन सो एंड सो पर्सन आई मेट इन लाइफ. तो ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप मिले हो जिनसे कुछ उठा के यार इसका ये उसका वो मैनरिज्म बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा. हां मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था वहां पे लटके हुए आदमियों को देखता था वही सब मैंने उठाया और YouTube से काफी कुछ सीखा. ही इज योर मैन मतलब इन रियल लाइफ ही इज कंप्लीट योर मैन. फॉर सर के लिए शुरुआती दिनों में रहा, मैं इसके बिहाफ पे आंसर कर रहा हूं कि सर के लिए शुरुआती दिनों में रहा था यार ये तो यू मैन निकला बट ये घोड़ा लगाम जैसे ही छूटा इस तरीके से दौड़ा कि फिर उसके बाद पकड़ में नहीं आया. मतलब इसने हर एक वो चीज मैनरिज्म से लेके सारी चीज़. मैं इसके भी आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब इंस्पायर्ड मी इन दैट वे कि भाई इसके मेहनत का लेवल कुछ अलग हो गया था. सडनली इसने बाउंस किया वो सारी चीजें पकड़ी जो मतलब एक पहले दिन वैसे आया था ना वुड वुड यो मैंने कपड़े उतारे सो इस मामले में इसने बहुत मेहनत की मतलब लिटरली. तो ये दोनों भाई हैं शो में ये बड़े रॉकी या रोकी रॉकी रॉकिया 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 और सनीवा सनिया. तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑन द शो तो है लेकिन ऑफ कैमरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. एक बार भी नहीं और ना होगा ये गारंटी लीजिए आप. लेकिन मैंने सुना आपके डायरेक्टर को कॉन्फ्लिक्ट बड़े पसंद है, हर सीन में कॉन्फ्लिक्ट पूछते हैं. Well said sir. Well said sir. ये कहाँ से पता चला? ये खुफिया. बहुत सही है, बहुत सही. क्या है सर आपका मतलब ये ऑब्सेशन क्या है कॉन्फ्लिक्ट के साथ? आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देखते हैं. ये नहीं मेरा था कि you move through conflict. I think conflict is the music in the story. I think अगर मुद्दा नहीं है तो किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं? And what drives you through to the next scene? It needs to be a little conflict in everything that you're showing because कहानी में भी आप मतलब सुबह उसका उठने से ब्रश करने से लेके और बाथरूम जाने से लेके ये सब तो नहीं दिखा सकते ना. तुम यू शोइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्टोरी तो वो नेक्स्ट में क्यों जा रहा है फिर वो तो इसीलिए सर को बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कॉन्फ्लिक्ट. सही है. यस यस एब्सोल्युटली. लेकिन ये वही वो तो नहीं कि इंजीनियरिंग आपने की जिंदगी में पहले फिर फिल्में करी. नहीं नहीं हो सकता वो भी तो हो सकता. वो वाला कॉन्फ्लिक्ट मतलब इतना घुस गया है कि हर चीज में आप कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे हो. मैथमेटिकल दिमाग हो गया वो थोड़ा. इंजीनियरिंग तो आई थिंक जो लाइफ मैंने जिया था उससे पहले आई थिंक दैट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर हु आई एम टुडे. आई थिंक उसमें दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था. आई थिंक उसमें लाइफ कॉन्फ्लिक्ट था. आई थिंक इसमें तो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड द स्टोरी. आई थिंक एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. आई थिंक दैट इज द ड्राइविंग फोर्स. आई थिंक मुद्दा है इसलिए हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर. आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं कॉन्ट्रास्ट पर. इनकी तो आप कानपुर में पैदा हुए जी और फिर आपने थोड़ा समय ऑस्ट्रेलिया में बिताया. दो अलग अलग दुनिया है. बिल्कुल. तो आपको ऐसे झोलर जुगाड़ू लोग मिले? मेरे को बहुत झोलर जुगाड़ू मिले. मैं अपने टाइम में भी बहुत झोलर जुगाड़ू रह चुका हूँ. बच्चों के पैसे मैं कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से बम्बई. ये ऐसी लाइफ रही है. तो काफ़ी सारे प्रोफेशंस चेंज करे हैं, काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस ट्राई किए हैं. बर्तन मानने से लेके वेटरी तक और टैक्सी चलाने से लेके और फिर कॉर्पोरेट में काम करना, फिर वापस कानपुर चले जाना. तो इतना अगर घूमे हो तो फिर तो समझ ही सकते हो ना कि क्या क्या लोग मिले होंगे. एक प्रोफेशन बचा था लालची नेता का, वो इसमें पूरा हो गया. यार लालच तो होता है बट लालच को कंट्रोल में रखना चाहिए. लालच सबके अंदर होता है बट लालच को भी आप यूज़ कर सकते हो अच्छा या बुराई में. तो लालच यही था कि लालच लाइफ का यही था कि जिस वजह से मैं घूमा इतना कि मतलब क्या करूँ मैं लाइफ के साथ, तो फिर एक्टिंग ही समझ में आया. तो फिर एक्टिंग में लालच ये था कि मतलब यही अच्छा लग रहा है, यही खुशी देगा, तो फिर ये इसी लालच में चलते हैं आगे. आप इतनी जगहों में रहे हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, एक्सेंट्स होते हैं. इज इट इजी फॉर यू टू पिक अप एन एक्सेंट? कानपुर का अलग, पटना का अलग,
जामताड़ा का अलग इजी इसमें जैसे कि सबने कहा इसमें हम लोग ने कोशिश करी कि थोड़ा न्यूट्रल रहें, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने इससे बहुत पिकअप करी और मेरे एक मित्र हैं वो भी बिहार से हैं तो उनसे भी फ़ोन पे कभी कभी इनिशियली मैं बात कर लेता कि कैसे बोलूँ ये कैसे बोलूँ, फिर इसने बहुत हेल्प करी बट कॉन्शियसली ऐसा किया कि ज़्यादा ना करूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने कैरेक्टर को भी इन लोगों से थोड़ा अलग रखना था कि ये बाहर से आया है पढ़ के आया है सिर्फ गांव का ही नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसा बैक स्टोरी बनाया था कि शायद ये कहीं से पढ़ के आया है तो अभी लेगेसी संभालने के लिए फिर यहाँ पे आया फिर MLA बना है ये बना वो बना, तो उस तरीके से डेवलप किया है बैक स्टोरी कैरेक्टर का। एक्सपीरियंस एक्टर बोल रहे हैं, लेकिन NSD में तो आपको अलग अलग वर्कशॉप्स कराए होंगे, तो जस्ट गिव मी अ सेंस ऑफ हाउ वुड एन एक्टर लाइक यू प्रिपेयर फॉर अ रोल लाइक दिस। मतलब इतना को ऑफ कोर्स जब आप कोई थिएटर कर रहे हो या फिर आप फिल्म कर रहे हो थिएटर में आप ज़्यादा रिहर्सल्स आपकी होती हैं, आप अपने एक्टर्स के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस वाले वर्कशॉप में भी ट्राई किया था और ये सर का बहुत ही मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं आप कोई सीरीज़ कर रही हूँ। हम लोग इतने ज़्यादा प्रिपेयर थे कि सर ने हमको बोला था कि अगर मैं सेट में ना रहूँ तो आप ही एक्शन बोलो और आप ही कट बोलो, हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया गया था स्पेशली क्योंकि मेरे सीन्स मेनली इसके साथ ही थे। तो बिकॉज आई बिलीव इन वर्कशॉप, आई बिलीव इन रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसमें आपने जो स्क्रिप्ट में लिखा है सीन वो तो आप करोगे ही अगर आप उसे चाहिए, लेकिन आप उस जब वो सीन ही कुछ और बन जाता है, आप उसमें इतने वेरिएशंस ढूंढते हैं, वो सीन सिंपल लिखा होता है लेकिन वो कैसे बन जाता है रिहर्सल्स के थ्रू, और फिर आप जब सबके साथ काम कर रहे हो उन सबका एक एनर्जी होता है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो मैटर आप किसके साथ सीन कर रहे हो किसके साथ नहीं कर रहे हो। सो वर्कशॉप्स लाइक मैं 2019 की कुछ टॉप फीमेल OTT स्टार से इंटरव्यू करा था 2 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि वेब सीरीज स्पेस में टाइम मिलता नहीं है रीटेक्स का बिकॉज यू हैव टू क्विकली रैप अप एंड देयर बजट इश्यूज एटसेट्रा, आप टाइम देते हो कि चल बेटा एक और टेक कर ले बिकॉज एक्टर्स आर ग्रीडी राइट कि सर एक और आई कैन डू बेटर। आई थिंक इस केस में डायरेक्टर यस इस वाले केस में डायरेक्टर ग्रीडी, आई थिंक आपने कभी भी रश नहीं किया किसी को अनटिल लाइट्स का इशू ना हो या कुछ नहीं और जब तक कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ में आ गया सीन का तब तक हम लोगों ने टेक्स किए। सो यू ओके कि चलो ले लो एक और एक्स्ट्रा। हां मैंने अब पहला टेक आपने लिया सेकंड टेक आप क्यों ले रहे हो इफ यू आर नॉट क्लियर देन आई थिंक वो ट्रस्ट से हम आगे बढ़ते, इट वाज मोर ऑफ कोलैबोरेशन। तो जब रोल करते हो और एक्टर किसी और जोन में चला गया एंड ही और शी हैज इंप्रोवाइज्ड अ लॉट, are you okay with that or yeah, absolutely jo kar raha hai yes as long as we are telling the same story I think I'm absolutely fine with it. Aap log ne kiya hai aise koi scene mein we just took off ki likha not kuch mostly, hai not mostly but ha kabhi kabhi improvisation hote the but that's okay but aise bhi kahi din hote ki yaar story matlab content same tha hum kuch alag nahi bol rahe the aapke scenes kiye humne bahut improvise what is written and yes because what was written is not always playable hum dono ka to jo bhi hai wo to bahut hi zyada improvise was given take so I think मुझे कुछ 2-3 बार इसको डराना था कुछ सीन्स में तो वो तो हम लोग ने आई थिंक इम्प्रोव ही लिखा नहीं जा सकता बेचारे खाना खिला रहे आप उसको डरा रहे हो मैं ज़्यादा स्पॉइलर्स देना नहीं चाहता आप जाकर शो देखो। बट फाइनली फेवरेट सीन्स दैट यू लव डूइंग और किसी और के भी सीन्स हो सकते हैं स्टॉप विद यू यार ये बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि मेरे लिए हर सीन फेवरेट है क्योंकि इतना ज़्यादा यू पोर इन टू इट दैट इट you never know whether the scene is a part of you or you part of the scene to mujhe mere liye impossible bolna ki favorite kya mere liye sab favorite hai we'll come to the director later let's start with same matlab isse behtareen answer ho hi nahi sakta is cheez ka agar as an actor aap samjhe agar jo aap matlab aur sir ka bhi ye approach raha aur as an actor bhi aap samjhe is cheez ko to आप अगर जो आप फेवरेटिज्म के चक्कर में फंसते हैं हाँ आपका कभी कभी बेहतरीन इमोशन निकलता है ठीक है किसी किसी सीन में किसी के कोई कोई सीन में नहीं निकलता है तो वो आपका चैलेंज हो जाता है तो आप इस तरीके से नहीं करते कोई बेहतरीन निकला तो वो भी आपका फेवरेट होता है और जब नहीं निकल रहा है और तब आपको कोई पुश करके उस जगह पर लेके आता है तो भी वो फेवरेट हो सकता है तो कुछ फेवरेटिज्म वाला ऐसा कुछ फंडा था नहीं। हाँ कुछ सीन बहुत पसंद आए हैं मतलब ऐसा वो किसी के भी हो सकते हैं मैंने भी पूरा सीरीज अभी तक नहीं देखा है लेकिन वो जितना मतलब 5-6 एपिसोड जितने आपने देखे हैं उतने ही हम लोगों ने बहुत पहले देखा था एडिटिंग के बाद वो भी नहीं देखा है तो मतलब अभी वो क्यूरियोसिटी बरकरार है जब देख लूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एडिट में आना अलाउड है आपका इसको किसने थोड़ा ये चेंज करा दो ऐसे होता है कि गाइस नहीं आई थिंक वो ट्रस्ट है आई थिंक क्यों आया एडिटिंग रूम में जब वो ट्रस्ट नहीं रहता ऐसे हुए शूट में जब एक्टर्स कॉस्ट्यूम के साथ प्रिपेयर्ड है एंड वी हैव कैंडल सीन्स
because I didn't feel that scene could have gone away. So we have done that also. So it was purely based on trust. Mm. Sparsh, favorite scene? Favorite line, dialogue, kuch bhi? Favorite scene, line, dialogue, दोनों ने कह दिया वो लाइन याद है पहले वाला किसको याद है मुझे याद है सर पता ना चले कंटाप कौन मारा तो समझ लो आ गया जामताड़ा मेरी सर दिस वाज माय लाइन मतलब मैं बट ही सेड बेटर प्लीज जब पता ना चले कि कंटाप कौन मारा तो समझ लो आ गया जामताड़ा तो वो मेरे को अभी भी सर से लगता है कि सर एक बार वो सीन कर लेते ना भाई इधर भी बोल रहा था वो बहुत खास वो एक्चुअली जमतारा का डिस्क्रिप्शन है वो मैं ये लाइन नहीं मानता ये जमतारा का डिस्क्रिप्शन है कि सडनली कुछ भी हो सकता है आपके साथ आपका नंबर कभी भी आ सकता है तो कंटाप कहीं से भी आ सकता है तो ये इसलिए ये लाइन मुझे बहुत पसंद थी अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में नहीं अगले सीजन में डालेंगे इसको कोई आइडिया नहीं है इस चीज पे मैं वही बोल रहा हूँ कि अगले सीजन में अगले बिकॉज देखो इस देश में उल्लू बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं या बनने के लिए रादर मोनिका फेवरेट लाइन फेवरेट लाइन तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है लेकिन देयर इज वन सीन जहाँ पे जब डॉली आपके गोडाउन में जाती है और फिर आप दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में आते हो सो दैट वाज अ सीन जब मुझे ऐसा लगा कि यार आई लव टू डू दिस कैरेक्टर डॉली वाला अदरवाइज आई लव माय कैरेक्टर गुड़िया बट वो सीन को देख के मुझे ऐसा लगा कि काश मुझे डॉली का वो वाला सीन और ऑस्ट्रेलिया जा रही हो कि नहीं जा रही उसको मान ले तो लेट्स डू इट सनी एंड रॉकी स्टाइल टू द कैमरा एंड टेल देम टू वॉच जामतारा ऑन नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग ऑन 10th ऑफ जनवरी सनिया का दिमाग देखना है रोकिया का बल देखना है और ब्रजेश भैया का दबंगई देखना है तो आइए देखिए जमतारा नेटफ्लिक्स पे कब 10 जनवरी को हेलो हाँ 10 जनवरी को आ रहा है हाँ देखना जमतारा हाँ ठीक है देख लेना डन मान लो इनकी बात शो देख लो लेकिन अगर इनमें से किसी का फोन आए तो काट देना भैया बहुत बड़ा कट जाएगा Thank you.